बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट, अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। अपराधियों ने पुलिस का वाहन ही हाईजैक कर लिया। वहीं वाहन लेकर भागते समय कुछ तकनीकी गड़बड़ी होने पर वाहन को आसनसोल शहर में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। इस संबंध में कोई भी पुलिस अधिकारी मुंह खोलने से बच रहा है। बताया जाता है कि कांकसा थाना इलाके में नेशनल हाईवे से अपराधी पुलिस का स्टीकर लगा वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस अलर्ट हो गई। विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस सक्रिय हो गई थी। इसी बीच हाईजैकर वाहन लेकर आसनसोल शहर में घुस गया। बाजार पार करने के क्रम में वाहन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, तभी हाईजैकर वाहन को बाजार में ही छोड़कर भाग गया। पुलिस को वाहन के अंदर से दो हथियार भी मिले हैं। विभागीय स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये घटना पूरे पुलिस महकमों में चर्चा का केंद्र बन गई है। शिल्पांचल में आकर्षक पूजा आयोजन के लिए प्रसिद्ध चीनाकोड़ी 1-2 नंबर पिट पूजा कमेटी द्वारा इस बार भी भव्य पूजा आयोजन की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। पिछले 44 वर्षों से इस कॉलोनी में धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष आसनसोल स्टेशन के तर्ज पर यहाँ पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए कॉलोनी के मैनेजर एवं पूजा कमेटी के पदाधिकारी ने बताया कि इस साल भी यहां पर धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन होगा। इस बार पंडाल को आसनसोल रेलवे स्टेशन के तर्ज पर बनाया जा रहा है। पंडाल में ठीक उसी तरह इंक्वायरी काउंटर, रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म आदि बनाए गए हैं। पूजा का बजट 17 लाख रुपये है। इस बार हम लोग आसनसोल स्टेशन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। आसनसोल स्टेशन की लोकल इधर के लोग जो हैं, बहुत सारे लोग स्टेशन देखे नहीं हैं। हम लोग ऐसा सोचे कि आसनसोल स्टेशन कैसा है, लोगों को दिखाएं, उसमें क्या क्या है, इंक्वायरी काउंटर क्या होता है, टिकट काउंटर किधर है। तो हम चाहते हैं कि अगल बगल के लोकल लोग आसनसोल स्टेशन जो नहीं अभी तक जा चुके हैं वो उसको जाने और समझें। उसी को दिखाने के लिए उसी का दिखा रहे हैं, पूरा ट्रेन को भी दिखाएँ, ट्रैक लाइन दिखाए हैं, और बहुत सारे चीज़ जो स्टेशन में होता है लोग दिखा रहे हैं। सर लगभग कितने दिनों से बन रहा है यहाँ? लगभग इस बार 44 साल होने जा रहा है। कंटिन्यू हर एक साल होता है यहाँ पर, तो इस बार 44वां साल का पूजा हो रहा है। सर पंडाल को जो बना रहे हैं वो कहाँ से आए हैं आपकी मूर्ति? पंडाल ये पांडेश्वर का टीम है, भागीरथ करके एक नाम है उनका, जो पंडाल मिस्त्री हैं भागीरथ, वो इसका ये कर रहे हैं, बना रहे हैं। पांडेश्वर के हैं, मूर्ति भी पांडेश्वर का है, दोनों वहीं का। सर बजट आप लोगों का? बजट 17 लाख का है हम लोग का पूजा। सर ये जो बजट आप लोग ये करते हैं वो कहाँ से आती है? बजट हमारा जो है, जो हमारा इम्प्लाई है, हमारे 200 इम्प्लाई हैं, उनसे पैसा कटता है। जैसे हम लोग एक बेसिक लिए हैं उन लोगों का, खुशी से लोग देते हैं अपना पूजा में, तो उनका ये है। कुछ साइकिल स्टैंड से पैसा आता है, कुछ मेला लगता है मेला के फंड से आता है, और कुछ लोग अगल बगल जो सहयोग करते हैं उससे पैसा आ जाता है। सर खास करके अगर बोला जाए कुलेरी वर्कर के पैसे से ये पूजा होता है? हाँ हाँ, कुलेरी का पूजा, ये पूजा कुलेरी का है। कुलेरी के जो मैनेजर हैं, हम खुद सेक्रेटरी हैं इसके, एजेंट साहब जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं, और बाकी सारे लोग कुलेरी के हैं, JCC के लोग लगे हुए हैं, सारे हम लोग अपना कुलेरी के लोग मिलजुल के पूजा करते हैं। आसनसोल नगर निगम में मेयर विधान उपाध्याय के चैम्बर में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक हुई। इस बैठक में मेयर के अलावा विभिन्न MMIC, बोरो चेयरमैन, पार्षद और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। इस संदर्भ में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, उनको ये बता दिया गया कि दुर्गा पूजा से पहले वो अब कहीं पर भी रास्तों की खुदाई ना करें। जहां पर भी रास्ते खोदे हुए हैं उनको भर कर चलने फिरने लायक बना दे, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। आज की मीटिंग हलो सामने जो पुजो आसो आसनसोल पुरो आसनसोल शहर प्रति रास्ता इलेक्ट्रिक जो काज तार जाचे माटी नीचे पुरो जैगाटा खोला खड़ी हो जाए। पुजोते मानुषे जतायात असुविधा गाड़ी घोड़ा रही है, तो हमें अलरेडी एक सप्ताह आगे मीटिंग रेखे तक हमें जो बड़ो रास्ता जगह आजकल रास्ता आज সেগুলো আমরা টেন্ডার করে দিয়েছিলাম, সেগুলো কাজও চালু হয়েছে, আমাদের কাজের কাজও চালু হয়েছে। গত দুদিন নুরুদ্দিন রোড, ধাদগা রোড, এগুলো ফাইভ
ইয়ে কাজ চলছে। তো প্রতিটি রাস্তাতে কাজ চলছে, তাছাড়াও আমাদের বিভিন্ন কাউন্সিলরের যে ওয়ার্ডগুলো ছিল সেই ওয়ার্ডও কাটা হয়েছে, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। তো সেই নিয়ে মিটিং ডেকেছিলাম আজকে, যে সেগুলো যেগুলো খোলা খোলা আছে, পাইপগুলো বেরিয়ে আছে, মাটির খোড়া আছে, সেগুলোকে যেন ইমিডিয়েট আজকের মধ্যে কালকার মধ্যে ভরে দেয় প্রতিটি জায়গাতে, কারণ দুর্গাপূজার আগে আর কাজ করবে। এবং সেগুলোকে প্রাইমারি রাস্তাটাকে বানিয়ে দেবে যাতে মানুষের অসুবিধা না হয়, এবং সেটা আমি আমাদের কর্পোরেশন ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব দিয়েছি ইমিডিয়েট কাজগুলোকে করে দেবো। दुर्गोत्सव की खुशियां दिव्यांगों में बांटने के लिए कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस द्वारा ईसीएल के झांझरा इलाके में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और जमुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, ईसीएल के जीएम रमेश चंद्र महापात्रा एवं अन्य अतिथियों ने दिव्यांगों को कुछ सहायता सामग्री प्रदान की और उनके साथ समय बिताया। पांडेश्वर विधायक ने घोषणा किया कि इन दिव्यांगों को दुर्गा पूजा दर्शन करने की व्यवस्था उनके द्वारा की जाएगी। पश्चिम बर्धमान महिला तृणमूल कांग्रेस द्वारा बीएनआर इलाके में मानव बंधन किया गया। इस मौके पर यहां टीएमसी पार्षद सीके रेशमा, रीना मुखर्जी, मौसमी बासु, कहकशा रियाज सहित पश्चिम बर्धमान जिला महिला टीएमसी नेत्री और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर इन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया। महिला नेत्रियों ने कहा कि आज ममता बनर्जी को धन्यवाद देने और आरजिकर की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग पर किया गया। जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं के विकास के लिए काम किया वो भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता। स्वास्थ्य साथी हो या कन्याश्री या फिर रूपश्री, इस तरह के अनगिनत योजनाएं हैं जिनकी वजह से सही मायने में बंगाल में महिला सशक्तिकरण हुआ है। लक्ष्मी भंडार जैसी योजना को देखकर आज अन्य राज्य भी उसे अपना रहे हैं। आज के राज्य थे चंद्रिमा दी আমাদের আদেশ দিয়েছেন, আজকে আমরা দিদিকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠানটা করছি। আমরা দেখাতে মানে দেখতে চাই যে দিদিকে সব মানুষরা, হিন্দু মুসলিম শিখ ঈসাই সবাই মিলে কীভাবে দিদিকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। সেই জন্য আমাদের সবাইকার ডাকে সব মহিলারা যে যেখানে ছিল সবাই চলে এসছে, এসে আমাদেরকে মানববন্ধনের মধ্যে দিদিকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। সেই কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা, কারণ আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে দিদি আমাদের অনেকগুলি প্রকল্প দিয়েছে, তার মধ্যে বেশিরভাগ প্রকল্পই মেয়েদের। সেই মেয়েদেরকে সক্ষম করা, নিজের পায়ে দাঁড়ানো, যাতে আমরা শৃঙ্খলার মধ্যে না থাকি, সেই নানারকম যে আমরা উপকার পেয়েছি দিদির থেকে, যে উপকৃত হয়েছি, সেই দিদিকে আমরা মমতা সীমা মা আমাদের মমতাময়ী মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই মানববন্ধনের মাধ্যমে। আমার নাম সুমিতা ভট্টাচার্য, আমি পশ্চিম বর্ধমানের জেলার সহসভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা। আসানসোল ইন্ডিয়ান ব্যাংক নে গ্যারান্টার মিথিলেশ সিনহা কে দুর্গাপুর কে দেশবন্ধু কলোনি স্থিত মকান কো কবজে মে লেকার সিল কর দিয়া। ইন্ডিয়ান ব্যাংক কে চিফ ম্যানেজার প্রবীণ কুমার এবং অমরেশ কুমার নে বাতায়া কে সাল 2011 মে জেপি এন্টারপ্রাইজ কে মালিক দীপক সিনহা নে দুর্গাপুর কে বেনাচিতি শাখা সে 40 লাখ কা লোন লিয়া থা, জিসমে মিথিলেশ সিনহা গ্যারান্টার থে। বর্তমান মে ইয়ে লোন 1 কারোড় সে অধিক কা হো চুকা হ্যা। मौके पर कोक ओवेन थाना पुलिस ब्रांच मैनेजर आलोक रंजन गुप्ता, अधिवक्ता संग्राम सिंह, रिकवरी एजेंट राजीव बनर्जी थे। इसके पहले भी एक गारंटर का मकान बैंक ने सील किया था। सालानपुर के पीठा क्यारी स्वास्थ्य केंद्र में आज सालानपुर के बीडीओ दिवांजन विश्वास, थाना प्रभारी अमित हाथी, रूपनारायणपुर फाड़ी प्रभारी नसरिन सुल्ताना तथा टीएमसी नेता भोला सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने यहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और यहां पर सुरक्षा के साथ साथ चिकित्सा सेवाओं को कैसे और बेहतर किया जाए इस बारे में यहां के अधिकारियों से बात की। इस बारे में बीडीओ ने बताया कि आज निरीक्षण करके देखा कि किस तरह से यहां पर सुरक्षा के साथ साथ चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर किया जा सकता है।
रविवार देर रात दुर्गापुर इस्पात अस्पताल के फार्मेसी विभाग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्टील प्लांट के फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस घटना से अस्पताल में कर्मियों में दहशत का माहौल कायम हो गया था। अस्पताल के सूत्र के मुताबिक फार्मेसी विभाग के कंप्यूटर समेत कई दवाएं जल गई। इस अस्पताल में प्रतिदिन काफी संख्या में मरीज दवा लेने आते हैं। उन्होंने दुर्गापुर स्टील प्लांट के अधीन स्वास्थ्य केंद्रों से दवाएं लेने के लिए कहा गया है। प्रारंभिक तौर पर पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। दुर्गापुर स्टील प्लांट के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।